आप सभी लोग देख रहे हैं क्योंकि जितने डिजाइनर स्टोर से यहाँ पे लगे हैं, जितने ज्वेलर्स हैं, इसकी खूबसूरती तो कुछ अलग ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा कुछ नया क्रिएटिव देने की कोशिश की, और ऐसे ही दो ब्यूटीफुल गर्ल्स अगर दोनों साथ में आ जाएं तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो मेरे साथ में ऐसी दो ब्यूटीफुल लेडी जुड़ी हुई हैं, पंखुड़ी मैम एंड परीक्षा मैम। दोनों का नाम पीपीएस है इसलिए क्योंकि पर्सनली ये लोग ज़्यादा अच्छे डिजाइन्स बनाते हैं और आप लोगों को पर्सनली देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, ये जो आपने क्रिएटिव चीज़ें सारी रखी हुई है तो ये क्या चीज़ के लिए रखी हुई है? मतलब आप लोगों ने किसी को जेलसी के लिए रखी हुई है या फिर सही में आप चाहते हो कि लोग खूबसूरत लगे? ऑफकोर्स खूबसूरती तो आती है एज इट गोज लाइक ब्यूटी विद ब्रेन्स, बट डिजाइनिंग पोर्शन व्हेन इट कम्स तो वी डू इट विद द हार्ट एंड आवर ब्यूटी इज सीन इन ईच एंड एवरी पीस, आवर थॉट्स, आवर हार्ट एंड द वर्कमैनशिप व्हाट इज बीन प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पीस इज रियली रियली एक्सक्लूसिव टू एंड इट एड्स टू द ब्यूटी the one standing beside me also. Say to something, ma'am. Yeah, so basically we create these pieces because as you know, all women are beautiful. But we just want that our pieces enhances their beauty more, and once they are worn on such beautiful ladies, the piece itself becomes so beautiful in itself. So with that thought that every piece is unique and it gives a smile to these beautiful women. Yeah. Thank you. और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली लेडीज ऐसी है मुझे मिली आज तक कि जिन्होंने कहा कि सभी लेडीज जो भी खूबसूरत लगती है, सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा सुना। लेकिन मैम आप क्या कहना चाहते, क्योंकि आपने जो पहना हुआ है काफी क्रिएटिव और मस्त लग रहा है, कलरफुल है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? बीआर स्टोर में आके, बीआर ज्वेलर्स में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यूनिक पहना है भाई, मतलब मेरी सुंदरता का राज देखो, मैंने कुछ नहीं पहना था एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा मोर ब्यूटीफुल लग रही हूँ। जैसे कि पंखुड़ी जी ने कहा, उनका नाम भी इतना अच्छा है, वो भी इतनी ब्यूटीफुल है, वो खुद डिज़ाइन बनाती है, यू नो, एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि देखो यार, लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि इतनी सुंदर लड़की इतनी सुंदर डिजाइन बनाएगी तो हम जैसे मॉडल्स का क्या होगा, ओह माय गॉड। सो सूरत में आके अगर बीआर विजिट नहीं किया तो सूरत आना बेस्ट है, सो मस्ट विजिट बीआर। और यहाँ पे तो अभी आई थिंक ये 3 दिन के लिए है, 31st, 1st and 2nd, तो प्लीज़ डू विजिट बीआर ज्वेल्स, ब्यूटीफुल ज्वेलरी के साथ आपको ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप उनके डिज़ाइन दिखाएंगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये तो सभी हस्बैंड के लिए एक गोल्डन चांस हो गया है भाई, ब्यूटीफुल लेडीज के साथ में ब्यूटीफुल ज्वेलर भी देखने को मिलेगा आपको। लेकिन वैसे कि मॉडल्स जो हमारे यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेयर की आप सभी लोगों से, और आप क्या कहना चाहोगे? बीआर में कुछ यूनिक चीज़ ऐसी मिली है कि वो डिफरेंट कलर्स, मतलब आप देख सकते हैं ज्वेलरी में हमें कलर नहीं मिलते, हम या तो गोल्ड होता है, रोज गोल्ड होता है, पिंक ग्रीन, बट इनके पास सारे ही कलर्स हैं, मतलब वी जस्ट कैन, वो हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे ड्रेस के साथ या हम उसके अपोजिट मैच कर सकते हैं और पूरा और उसे इनहेंस कर सकते हैं। तो सीरियसली ये सब देख, आप देखिए बहुत ही प्रिटी लग रही है, प्लीज डू कम बीआर ज्वेलर्स। जरूर आना चाहेंगे क्योंकि आप खूबसूरत लग रहे हो तो वो लोग भी चाहते हैं सभी हमारे व्यूअर्स के, वो भी इतनी बेहतरीन लगे। मैम आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप जो है ना, आप इतनी फेयर हो, इतनी मस्त लग रही हो, वेरी गुड। तो ये तो सुहाने पे सुहागा हो गया, सुहाने पे सुहागा हो गया, इतने चालाक होते हैं, मतलब जो भी चीजें सच है प्लीज आपको शेयर करना चाहोगे? येस, इन शॉर्ट एंड सिंपल आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बी आर डिज़ाइंस में आप लोग की ज्वेलरी एकदम एक्सक्लूसिव है, पूरे सूरत में ऐसी कहीं तो भी नहीं है, सो प्लीज़ विजिट बी आर डिज़ाइंस। थैंक यू, थैंक यू। और डैशिंग पर्सनालिटी और ब्यूटीफुल मॉडल, प्लीज़ आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बाइकर हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ज्वेलरी पहनने के बाद मैं मॉडल बन गई हूँ एक्चुअली। और आप देख रहे हो पहली बार ऐसा हुआ कि जो बाइकर्स हैं उन्होंने भी ज्वेलरी पहनने के बाद सोचा नहीं यार ये अच्छा है, मॉडल ही अच्छा है। और एक और ये दोनों जो गर्ल्स है ना, दोनों गर्ल्स यहाँ पे हैं, यामिनी मैम, और दोनों का परिचय देना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप दोनों क्रिएटिव और लोगों तक पहुँचाने का काम आप लोगों ने किया है। यामिनी मैम आप भी काफी खूबसूरत लग रहे हो जैसे हमेशा लगते हो, लेकिन कभी भी आपको इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा क्योंकि आप काम में इतना बिजी रहते हो, तो क्या शेयर करना चाहोगे?
यही शेयर करना चाहूँगी कि ऑलवेज मैं बीआर डिज़ाइन में आती हूँ और परिसी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो हमेशा उनकी उसकी मैं ज्वेलरी देखती हूँ, ऑलवेज उसके स्टॉल विजिट में ऑलवेज करती हूँ, तो कुछ नया ही लेके वो हमेशा आती है। तो मैं सभी वुमन्स को बोलना चाहूँगी कि आप आइए, विजिट करिए बीआर डिज़ाइन की। और मुझे भी आज उसने मॉडल बना दिया है, चैनल की डायरेक्टर से आज मॉडल बन गई। और पीआर डिजाइन्स का कमाल यही है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो जरूर आपकी जो खूबसूरती है उसको और ज्यादा परखा जाता है, निखारा जाता है और बेहतर किया जाता है। जैसे कि आप ये फीमेल देख रहे हो यहाँ पे इतने खूबसूरत है, मैम कब बुला रहे हैं आप कॉफी चाय पे? थैंक यू सो मच। और डिजाइन्स के बारे में क्या कहना चाहोगे दोनों के बारे में? पीआर का खास ये मोटो है कि हर साल उसकी हेरिटेज ज्वेलरी होती है और कभी वो डिजाइन आफ्टर, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आफ्टर 10 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स भी बैक, कस्टमर आके बोलते कि आपके डिजाइंस मार्वेलस, वो कभी आउट ही नहीं लगते। तो वो मेरे लिए बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन है और हम लोग हमेशा काम एकदम प्रिंसिपली और डेडिकेशन से करते हैं, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मेरे कस्टमर को एनी टाइम एनी हो अच्छा नहीं लगता। तो हम हमारी वैसे बोलो ना तो हम लोग हमारी जान देते हैं इसके अंदर, कोई हमारी क्रिएशन में। थैंक्स फॉर लॉट। और थैंक्स मैम ने जैसे कहा, अगर आपकी जान को भी आप खुश करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पे बीआर डिजाइंस में जरूर आए, क्योंकि जान ही सबसे ज्यादा जानना ही होती है भाई, उनको खुश करना जरूर है। माय ब्रो और इनके ब्रो जो है यहाँ पे हार्दिक सर आ जाइए, आप कैसे पीछे हैं? हार्दिक सर ये सोच रहे हैं कि इतनी खूबसूरत जो यहाँ पे मॉडल्स हैं सभी हैं, तो इनके बीच में मैं जाके क्या बोल रही हूँ? हाँ I am speechless. I mean, इन्होंने सब कह ही दिया है। She's so beautiful and उन्होंने बहुत beautiful ज्वेलरी, वो खुद ही इतनी ब्यूटीफुल है कि वो ज्वेलरी उन पर और ज़्यादा निखर रही है। आपकी बीआर की ज्वेलरी ने उन्हें और निखार दिया। एंड थैंक यू यामिनी जी जिन्होंने यहाँ आने का मौका दिया, तो हमने बीआर And it's our pleasure to come down. Thank you very much. And we really appreciate your presence so much. Thank you. थैंक यू। और बीआर डिजाइंस में आना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एसजेएस जो है वो चला रहा है कुछ ऐसी मुहिम जो आप लोगों तक क्रिएटिव चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आ, 3 दिन का एग्जीबिशन है तो यहाँ पे जरूर आएगा, क्योंकि सूरज ज्वेलरी शोज 2018 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन का शोज है और आज पहला दिन तो जा रहा है बॉस। लेकिन अगर आपको चाहिए कुछ क्रिएटिव चीज़ें, कुछ ऐसे डिज़ाइन जो किसी के पास ना हो, तो जरूर यहाँ पे विजिट करना। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू भाई, और एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल देखते रहना और अपने रिव्यू देखते रहना। थैंक यू।